हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इनसाइड एक्शन। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं 2018 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन फिल्म को, जिसका नाम है द रेप्लिकास। इस मूवी में हम एक सिंथेटिक बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट को देखते हैं, जिसकी पूरी की पूरी फैमिली एक कार एक्सीडेंट में मारा जाता है और वो उनको वापस जिंदा करने के लिए गवर्नमेंट और पुलिस टास्क फोर्स के खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो आइए सुनते हैं वो उसकी फैमिली को वापस लाने में सफल होता है या नहीं। अब इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हम एक सिंथेटिक बायोलॉजिस्ट को देखते हैं, जिसका नाम विलियम होता है, जहां पर वो अपने लैब में किसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो बायोनैन इंडस्ट्री का रिसर्च सेंटर में लैंड करता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड होता है, सारे स्टाफ को लैब में आने को कहा जाता है। तभी हम विलियम के एक फ्रेंड को देखते हैं, जिसका नाम एड होता है, और वो विलियम के साथ उसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा होता है। वहीं पर हम एक रोबोट को देखते हैं, जिसका नाम प्रोजेक्ट 345 था, और इसी प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा का पूरा टीम काम कर रहा था। उसके बाद वहां पर एक डेड बॉडी को रखा जाता है, जिसको इस मूवी में डोनर कहा गया है, और वो जंग में मरे हुए सोल्जर्स थे। तभी विलियम की कमांड से एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाता है। उसके बाद डोनर के सर पर एक डिवाइस लगाते हैं और उसके ब्रेन के न्यूरल एक्टिविटी को टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि डोनर का ब्रेन अभी तक एक्टिव है और वो यूज किया जा सकता है। इसके बाद विलियम सबको बताता है कि डोनर की बायोलॉजिकल ब्रेन को रोबोट की सिंथेटिक ब्रेन में लगा दिया जाएगा। अब एड डोनर की ब्रेन की मैपिंग डाटा ले लेता है और विलियम उसे रोबोट की ब्रेन में डाल देता है। उसके बाद वो 345 नाम की इस रोबोट को एक्टिव करता है, जिसको वो उस आर्मी ऑफिसर के नाम से बुलाता है। तभी हम देखते हैं वो रोबोट धीरे धीरे रेस्पॉन्ड करने लगता है और पूछता है कि मैं कौन हूँ। उसके बाद वो रोबोट एग्रेसिव हो जाता है और माल फंक्शन होकर खुद को तोड़ने लगता है, इसलिए विलियम को उसका पावर ऑफ करना पड़ता है। उसके बाद विलियम की बॉस जोन्स उसे कहता है कि सब्जेक्ट 345 का रिजल्ट उन्हें जल्द से जल्द चाहिए, क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो वो इस प्रोजेक्ट को बंद कर देंगे। इसके बाद विलियम उसे कहता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए वो अपना पूरा लाइफ दे दी है, ताकि वो इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना पाए, और वो नतीजे के बहुत ही करीब है। इसके बाद विलियम अपना घर चला जाता है, जहां उसकी वाइफ मोना उनकी वीकेंड ट्रिप के लिए रेडी हो रही थी। वहीं पर हम विलियम के तीन बच्चों को देखते हैं, जिनका नाम मैट, सोफी और जोई होता है। तभी उनके घर में एड आता है और उनके बॉस के बारे में पूछता है। फिर मोना को उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं, जिस पर मोना विलियम को बताती है कि अगर वो रोबोट बोलता है तो वो महसूस भी कर सकता है, और मरा हुआ लोगों को जिंदा करके तकलीफ देना बहुत गलत है। तभी विलियम उसे समझाता है कि जब पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, तब 18 दिन तक वो पेशेंट जिंदा था, और मेरे सक्सेसफुल होने के बाद अब जाने के समय अंधेरा भी हो चुका था और जोरदार बारिश भी हो रहा था। तभी अचानक से उनके सामने एक ट्रक आ जाता है, जिससे वो लोग बाल बाल बचते हैं, पर थोड़ी दूर जाते ही उनके ऊपर एक पेड़ गिर जाता है, जिससे कि मोना की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद गाड़ी विलियम के कंट्रोल के बाहर हो जाता है, जिससे वो लोग एक खाई में गिर जाते हैं। कुछ देर बाद जब विलियम को होश आता है, तो वो देखता है कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली की मौत हो चुकी थी। ये देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है और एड को कॉल करके वहीं पर बुलाता है। कुछ देर बाद एड उस जगह पर पहुंच जाता है और कहता है कि उनको पुलिस को बुला लेना चाहिए, पर विलियम उसे ऐसा करने से मना करता है और उसकी फैमिली का न्यूरल मैपिंग को प्रिजर्व करने को कहता है, ताकि वह बाद में उनका रेप्लिका बना सके। अब एड विलियम की बात मान जाता है और ब्रेन मैपिंग करने लगता है। इसके बाद दोनों अपना ऑफिस जाते हैं, जहां पर वो लोग उसकी फैमिली को क्लोनिंग करने का इक्विपमेंट लाते हैं। तभी एड उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है और इसमें बहुत खतरा है, लेकिन विलियम हर तरह के खतरा उठाने को तैयार था, क्योंकि उसको फैमिली को वापस लाने का यही एक तरीका था। उसके बाद विलियम एड को रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि उसकी फैमिली का बॉडीज को ठिकाने लगाने के लिए, क्योंकि वो ये सब कुछ अपने हाथों से नहीं कर सकता था। तभी विलियम को पता चलता है कि उनके पास रेप्लिका बनाने का सिर्फ 3 मशीन है, जबकि उन्हें 4 चाहिए था। ये सुनकर विलियम काफी निराश होता है और गुस्सा भी करता है, क्योंकि उसे किसी एक की सैक्रिफाइस देनी पड़ेगी। अब विलियम के पास कोई भी चारा नहीं था, इसलिए चारों का नाम एक पेपर पर लिखता है और एड को चीट उठाने को कहता है, जबकि एड ऐसा करने से मना करता है। अब विलियम के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है और इसलिए वो खुद ही वो चीट उठाता है, जिसमें से जोई का नाम निकलता है, और वो ये देखकर फुट फुट कर रोने लगता है। इसका मतलब था कि वो लोग अब जोई का रेप्लिका नहीं बना सकते। उसके बाद एड 3 पॉट को चालू करता है, जिसमें से मोना, वाट और सोफी का डीएनए लिंक था, और वो विलियम से कहता है कि इन 3 पॉट का केमिकल बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और सबसे जरूरी है इनको हमेशा पावर मिलती रहनी चाहिए। अगर पावर बीच में कट हुआ तो इनकी रेप्लिका नहीं बन पाएगी, इसीलिए बैकअप जनरेटर रहना जरूरी है।
जबकि विलियम के पास कोई भी बैकअप जनरेटर नहीं था, इसलिए वो बाहर से बैटरी को चोरी करके लाता है और उन्हें पोर्ट से कनेक्ट कर लेता है। एड ये भी बताता है कि क्लोन्स को पूरी तरह से बनने के लिए 17 दिन लग जाएंगे। उसके बाद जब सब लोग जोई के बारे में पूछेंगे तो तुम क्या करोगे, विलियम कहता है कि वो सबकी मेमोरी ड्राइव से जोई की याद मिटा देगा, जिसके वजह से वो लोग पूरी तरह से उसे भूल जाएंगे। उसके बाद विलियम सबकी मेमोरी से जोई को मिटा देता है। अगले दिन दो पुलिस वाले पूछताछ करने आए थे। पहले तो विलियम उन्हें देखकर डर जाता है, फिर वो लोग कार की बैटरी की चोरी के बारे में पूछते हैं और चले जाते हैं। अगले दिन जब जोन्स एड से मिलता है तो वो विलियम का ऑफिस न आने का रीजन पूछता है। वहीं पर एड विलियम का तबीयत खराब होने का झूठ बोल देता है। उसके बाद जोन्स विलियम को एक मैसेज देने के लिए कहता है कि अगर प्रोजेक्ट 345 ठीक से काम न कर पाए तो जल्द से वो रिसर्च प्रोग्राम को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद एड विलियम को कॉल करता है और बताता है कि अगर रिसर्च बंद हो गया तो कंपनी के इक्विपमेंट को ढूंढते हुए वो लोग तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे और हम पकड़े जाएंगे, इसलिए तुम्हें ऑफिस जैसे भी करके आना होगा। अब विलियम कहता है मैं तो ऑफिस आ जाऊंगा, पर तुम्हें पॉड के पास रहना होगा। उसके बाद विलियम ऑफिस जाता है और सबके सामने नॉर्मल बर्ताव करने लगता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वहीं पर अपने डेस्क के ऊपर विलियम जोई की बनाई हुई एक ड्राइंग को देखता है और उसे अपने साथ घर ले आता है। लौटने के समय विलियम को मैट का स्कूल टीचर उसके घर के सामने मिलते हैं और उसका 5 दिन का स्कूल ना आने का रीजन पूछते हैं, जिस पर विलियम हॉलिडे में जाने का झूठ बोलता है। उसके बाद एड उसे कहता है कि उसे बच्चों के स्कूल और मोना की ऑफिस को मेल या मैसेज करना होगा, जिससे कि सबको ये लगे कि वो लोग गायब हुए ही नहीं है। उसके बाद विलियम सबके लैपटॉप और फोन निकाल लेता है और सबको ईमेल और मैसेजेस करने लगता है, जिससे कि सबको लगे कि सब कुछ ठीक है। दूसरी तरफ ऑफिस में एक नया टेस्ट करने के लिए प्रोजेक्ट 345 रोबोट को रेडी किया जाता है। वहीं पर विलियम मेमोरी ड्राइव को प्रिंटिंग करने की कोशिश करता है, जबकि उसके सारे सिमुलेशंस फेल हो रहे होते हैं। इसी वजह से वो बहुत परेशान था, क्योंकि सारे क्लोन्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे। दूसरी तरफ हेड विलियम को ऑफिस से बचाने की काफी कोशिश करता है ताकि किसी का शक उस पर ना जाए, और इधर विलियम बार बार फेल होने से परेशान था। अब 17 दिन बीत चुका था और उस दिन एड विलियम के घर पहुंचता है ताकि वो लोग क्लोन को उस पॉड से निकाल सके, पर विलियम उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो क्लोन अभी तक रेडी नहीं हुए थे, क्योंकि वो उनकी मेमोरी ड्राइव को नहीं डाल पा रहा था। अब एड उसे कहता है कि वो लोग जितना देर पॉड के अंदर रहेंगे उतनी तेजी से उनकी उम्र बढ़ती जाएगी और कुछ दिनों में वो तुमसे भी बड़े हो जाएंगे, इसलिए हमें उन्हें जल्द से जल्द निकलना होगा। तब विलियम सबको बेहोश रखने की आइडिया देता है ताकि जब मेमोरी ड्राइव प्रिंटिंग हो जाएगा उसके बाद सबको वो होश में लाएगा। उसके बाद वो लोग मोना के पॉट को खाली करते हैं और जैसे ही मोना होश में आने लगती है तब विलियम उसे वहीं पर बेहोश कर देती है। यहाँ पर एड उनके रिजल्ट से बहुत खुश था क्योंकि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका था। उसके बाद एड वहां से निकल जाता है और विलियम अपने लास्ट एक्सपेरिमेंट का फुटेज देखने लगता है ताकि उसे पता चले कि वो कहां गलती कर रहा है। कुछ दिन बाद अपने आप को ऐसे ही फेल होते हुए देखकर वो अपने सारे उम्मीद खो चुका था और उसी रात वो अपनी पत्नी मोना के क्लोन को मानने जा रहा होता है। तभी उसे जोन्स का कॉल आ जाता है। उसके बाद उसे बात करते हुए देखता है कि जब वो मोना को टच करता है तो उसका नर्वस सिस्टम एक्टिव होने लगता है। उसके बाद वो एड से मिलता है और मोना के रिएक्शन के बारे में बताता है। उसके बाद वो एड से कहता है कि ब्रेन दूसरी बॉडी में काम नहीं करता क्योंकि वो उसकी बॉडी होती ही नहीं है, इसीलिए वो डर के घबरा जाता है और खुद को तोड़ने लगता है। जबकि हम एक नए एल्गोरिथम बना के उनकी मेमोरी ड्राइव में डाल देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और वो लोग अपने नए बॉडी को एक्सेप्ट कर लेंगे, और इसी के साथ वो लोग प्रोजेक्ट 345 के और खुद के भी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके थे। उसके बाद विलियम नए एल्गोरिथम कोडिंग करता है और मोना के माइंड को उसके बॉडी से ट्रांसफर करने का प्रोसेस शुरू कर देता है। कुछ समय बाद मोना होश में आने लगती है और सरप्राइजिंगली वो विलियम को पहचान भी लेती है। अभी विलियम फिर से मोना को बेहोश कर देता है और एड पूछे में बताता है कि उसे जोई की मौजूदगी घर से साफ करना होगा। उसके बाद दोनों बहुत खुश होते हैं पर किसी को बता नहीं सकते। अब एड वहां से निकल जाता है और विलियम उसके घर से जोई की सारे सामान हटाने लगता है, जैसे कि किसी को पता ना चले कि जोई बोलकर कोई एग्जिस्ट करती थी। उसके बाद वो अपना पूरा घर को पहले जैसा कर देता है और अपने बीबी के पास जाके सो जाता है। अगले दिन जब विलियम उठता है तो देखता है कि मोना अपने बेड पर नहीं होती है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो सब लोग बैठ के एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद मोना जॉगिंग के लिए निकल जाती है और विलियम अपने बच्चों के लिए मनपसंद केक बना के खिलाने लगता है। तभी उसको एड का कॉल आता है और उसे एक नया डोनर के बारे में बता के ऑफिस तुरंत पहुंचने को कहता है। उसके बाद विलियम ऑफिस पहुंचता है तो एड डोनर का टेस्ट करता है। पता चलता है कि डोनर का ब्रेन करप्ट हो चुका है, इसलिए विलियम उस डोनर पर टेस्ट नहीं करना चाहता है, पर विलियम खुद के मेमोरी ड्राइव को बना के प्रोजेक्ट 345 पर टेस्ट करना चाहता है और वो ऐसे ही करता है और बाथरूम में अपना इक्विपमेंट लेके जाता है और खुद के मेमोरी ड्राइव बनाता है। जब वो अपना काम खत्म करके बाहर आ रहा होता है तब एड उससे आंख से निकलती खून के बारे में पूछता है। उसके बाद एड उससे अपने प्लान के बारे में बता देता है।
उसी रात जब विलियम अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि मोना बेचैन है और उसे लगता है पिछले कुछ दिनों के बारे में उसे कुछ याद नहीं आ रहा है। उसके बाद विलियम उसे रेस्ट करने को कहता है और खुद बेसमेंट में जाके खुद के मेमोरी ड्राइव का एल्गोरिथम बनाने लगता है। तभी सोफी को सपने में अपनी माँ की मौत होता हुआ दिखाई देती है जिससे वो चिल्लाती है और विलियम वहाँ पर भाग कर पहुंच जाता है। विलियम उसे समझाता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है। फिर वो उसे अपने बेसमेंट पर लेकर जाता है और उसके मेमोरी से अपने मौत का याद मिटा देता है। तभी वहीं पर मोना पहुंच जाती है और उसे ये सब करते हुए देख लेती है। पूछने पर विलियम उसे कुछ नहीं छुपाता और सब सच सच बताने लगता है और कहता है एक कार एक्सीडेंट में तुम सबकी मौत हो चुकी थी और मैंने तुम सबको वापस बनाया है। वहीं पर विलियम जोई के बारे में छुपाता है और ये बात किसी को बताने से मना भी करता है। उस रात डिनर करने के समय सोफी पूछता है कि जोई कौन है जिसका नाम मेरे अलमारी में लिखा हुआ है और वही बात उसे मोना भी पूछती है क्योंकि उसे जोई का सामान घर में मिला था। उसके बाद विलियम उन्हें झूठ बोलता है और तभी मोना समझ जाती है कि विलियम उन्हें कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। तभी डोरबेल बजता है और उनके घर पे जोन्स आया हुआ था। उसके बाद जोन्स विलियम से अकेले में बात करता है और उसे कहता है कि मुझे पता है पिछले कुछ दिनों से तुम क्या कर रहे हो और कहता है तुम्हारी फैमिली अभी कंपनी की प्रॉपर्टी है और उन्हें तुम्हें वापस करना होगा। उसके बाद विलियम उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है उसे पता है सब्जेक्ट 345 का ब्रांड कैसे काम करेगा। लेकिन जोन्स का प्लान कुछ और ही था क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट के पीछे होता ही नहीं है और कहता है विलियम का इन्वेंट किया गया एल्गोरिथम की मदद से वो खतरनाक हथियार बनाएगा। इसीलिए वो उस एल्गोरिथम को उसे हैंडओवर करने को कहता है और अपनी फैमिली को आखिरी बार गुड बाय कहकर आने को बोलता है। उसके बाद विलियम एल्गोरिथम को लेने अंदर जाता है और जोन्स को एल्गोरिथम देने के बहाने मार के बेहोश कर देता है। तभी विलियम भाग के घर के अंदर जाता है और उस एल्गोरिथम को डिस्ट्रॉय करने के लिए माइक्रोवेव में डाल देता है। उसके बाद वो मोना को जोई के बारे में बताता है और अपनी फैमिली को वहां से लेकर भाग जाता है और तभी जोन्स को होश आता है और देखता है कि पूरा एल्गोरिथम बर्बाद हो चुका है। तभी जोन्स के एक आदमी एक ट्रैकिंग डिवाइस लेकर वहां पर पहुंचता है और जोन्स उन्हें पकड़ने का कमांड देता है। ट्रैकर के मदद से जोन के आदमी विलियम के फैमिली को ढूंढ लेते हैं। तभी विलियम बताता है कि तुम्हारे नर्वस सिस्टम में ट्रैकर फिट किया गया है इसीलिए वो लोग उन्हें ढूंढ पा रहे थे। तभी मोना एक पास के क्लिनिक में जाने को कहती है जहां पर वो काम कर रही थी। उसके बाद वो एक एक करके सारे फैमिली मेंबर्स को शॉक देती है इसीलिए उनका ट्रैकर फ्यूज हो जाता है। दूसरी तरफ वो लोग उन्हें ढूंढते हुए उनके आसपास पहुंच जाते हैं लेकिन तभी उनके ट्रैकर्स ऑफ हो जाते हैं जिसकी वजह से वो लोग उन्हें ढूंढ नहीं पाते और वो लोग वहां से चलते से निकल जाते हैं। फिर कुछ समय बाद वो लोग जाकर एक डॉग के पास पहुंचते हैं और विलियम उन लोगों को गाड़ी में बैठाकर बोट की चाबी ढूंढने जाता है। तभी जोन्स के आदमी वहां पर पहुंच जाते हैं और विलियम के फैमिली को उठा के वहां से चले जाते हैं। रिसर्च सेंटर में पहुंचने पर मोना को पता चलता है कि एड पहले से ही जोन्स का मदद कर रहा था इसलिए वो लोग उन्हें पकड़ने में कामयाब हो पाए। तभी एड मोना से कहता है कि जब मैं तुम्हारे लाश को ठिकाने लगा रहा था तब से ये लोग मुझे देख लिए थे और ये लोग मुझे बंदूक के नोक से ये सब काम करवा रहे हैं। तभी विलियम उसके ऑफिस में पहुंच जाता है जहां पर उसके फैमिली को बंदी बनाया गया था। तभी एड उसे माफी मांगता है लेकिन विलियम एल्गोरिथम के बदले उसके फैमिली को छोड़ने को कहता है। पर जोन्स तभी एड को गोली करके मार देता है। ये देखकर विलियम घबरा जाता है और एल्गोरिथम बनाने के लिए मान जाता है। अब विलियम वो एल्गोरिथम फिर से बनाता है और चालाकी से प्रोजेक्ट 345 रोबोट के अंदर अपने मेमोरी ड्राइव को इंस्टॉल कर देता है। उसके बाद वो उस एल्गोरिथम को जोन्स को हैंडओवर कर देता है लेकिन तभी जोन्स मोना को मारने वाला होता है। वहीं पर वो रोबोट एंट्री करता है और विलियम के फैमिली को बचाने के साथ साथ वहां पर जोन्स और उसके आदमियों को मारने लगता है। उसके बाद विलियम अपनी फैमिली को कार में बैठाकर जाने वाला होता है। तभी वो फिर से वापस उसके ऑफिस के अंदर आता है और आते ही उस रोबोट को जोन्स को मारने से बचाता है। उसके बाद विलियम उस रोबोट को खुद के फीलिंग्स के बारे में पूछता है जहां पर वो रोबोट बोलता है कि ये बॉडी उसको अपने जैसा ही लगता है। उसके बाद विलियम उस रोबोट का प्लान समझाता है और अपनी फैमिली को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है। प्लान के हिसाब से वो रोबोट जोन्स का ब्रेन का प्रिंट करना शुरू करता है। फिर हम एक पॉट को देखते हैं जहां पर क्लोनिंग 100% हो चुका था। उसके बाद हम बीच का सीन को देखते हैं जहां पर मोना बैठकर अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी और दूसरी तरफ मैट और सोफी खेल रहे थे। तभी विलियम जोई को लेकर वहां पर पहुंचती है जिसे देखकर मोना बहुत खुश होती है। तभी हमें समझ आता है कि उस पॉड में जोई थी। आगे हम देखते हैं जोन्स दुबई में एक राइस बुड्ढे आदमी को विलियम का इन्वेशन किया हुआ टेक्नोलॉजी बेच रहा होता है ताकि वो आदमी फिर से अपनी जवानी से अपनी जिंदगी जी सके और वो रोबोट अभी विलियम के लिए काम कर रहा होता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर। और हाँ, लेटेस्ट मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो देखना ना भूलें।